चीज, हर चीज आप सुशांत सिंह राजपूत से सीखो, बट ये चीज मैं कहूंगा कि आप सुशांत सिंह से राजपूत। सो भाई अभी तो मुझे किसी वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, बट अचानक से मुझे ये वीडियो इसलिए पता चला क्योंकि मतलब एक चीज को मैं इंस्पिरेशन अपना मानता था, या कई युवाएं और कई स्टूडेंट्स मानते थे उनके बारे में। वैसे भी आप लोग को तो पता चल ही गया होगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। वैसे मैं पता है मैं 2-3 दिन में एक वीडियो की तैयारी में लगा हुआ था कि कोटा में क्यों इतने सुसाइड्स होते हैं, क्यों लड़के कोटा जाते हैं या फिर दिल्ली जाते हैं या फिर IIT JEE की प्रिपरेशन में सुसाइड करते हैं। तो ये मेरे दिमाग में चल ही रहा था और ये मैं 2-3 दिन में लाता ही आप लोग के सामने वीडियो। बट अभी मतलब मैं बेसिकली सोया ही हुआ था और फिर उठा तो पता चला कि यार ऐसा ऐसा हुआ है, तो बड़े अफसोस हुआ। एक चीज मैं बताता हूँ, मैं जब कोटा में तैयारी कर रहा था तो एक लड़का था, उससे सीनियर थे वो, मतलब सुमित नाम था, वो विदिशा मध्य प्रदेश के रहने वाले। उन्होंने अपने रूम में सुशांत सिंह राजपूत का फोटो और उसकी रैंक लिख रखी थी और मतलब उसको अपना इंस्पिरेशन मान रहे थे कि भाई मुझे इसकी तरह करना है, इतनी रैंक लानी है। तो मतलब एक अकेले वो ही नहीं, मतलब ऐसे कितने ही सारे लड़के हैं अपने देश में और कोटा में चाहे कहीं पर भी, जो उसको अपना एक युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मतलब उनको कह सकते हैं। क्योंकि अब हमें क्या ज्यादातर जो अभी की जनरेशन, उन्हें क्या पसंद है, मतलब क्या करते हैं जनरली, या तो पढ़ते हैं या तो क्रिकेट खेलते हैं या एक्टिंग हीरो बनने में इंटरेस्ट होता है या मतलब कुछ पॉपुलैरिटी। तो मतलब ये सब चीज उसमें उस बंदे में थी, मतलब जो अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किए बिना इंजीनियरिंग को छोड़ के अपने कैरियर की फील्ड में चला गया, इतना जीनियस स्टूडेंट, JEE के स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, बिहार के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन, एक्टिंग में जिन्हें कैरियर बनाना है उनके लिए एक इंस्पिरेशन, क्रिकेट में जिनको कैरियर बनाना है उनके लिए इंस्पिरेशन। तो जब हम इस बंदे मतलब इस लेवल पे पहुंचे हुए लोग के बारे में ऐसा सुनते हैं तो काफी दुख होता है मन में कि मतलब जिन्हें हम आइडियल मान रहे थे, और एक यूथ और एक नई पीढ़ी इनके इनके फॉलोअर है, यूथ है ये कोई जात। और यहाँ तक कि मतलब जो मतलब आगे की पीढ़ी, जैसे जो MS धोनी मूवी आई थी उनके बाद तो उनका मतलब एक अलग ही इमेज लोगों के सामने आया सुशांत सिंह राजपूत का। लेकिन ऐसे भी जो उनकी अचीवमेंट्स है, जो जो उन्होंने अचीव किया हुआ है लाइफ में, मेरा चैनल ही जिस नाम पे है उस एग्जाम के वो एक टॉपर स्टूडेंट थे, तो मैं कैसे नहीं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं मतलब। और ज्यादा मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा अभी क्योंकि आपको तो हर चीज अभी न्यूज में दिखाई रहे हैं कि भाई क्या एज थी, मरे वहां क्या क्या सिचुएशन थी, कितने भाई बहन थे, कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये सब चीजों पे तो मैं नहीं आपका टाइम लूंगा, बट इतना जरूर बोलूंगा कि वो यूथ के आइडियल थे और हम जैसे जो 18-19 साल 20 साल 16 साल 17 साल 15 साल के लड़के हैं, हम इससे ज्यादा तक भी थे, बट मैं अभी यहीं तक पहुंचा हूं तो मुझे यहां तक का तो पता है। हमारे कॉलेज में कई बार रूम पे डिस्कशन होता है, रूम में बैठे बैठे डिस्कशन होता है, मेरे चाचा के साथ डिस्कशन होता है कईयों, मतलब हर हमेशा उसका डिस्कशन जरूर होता है कि भाई उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अभी मैं सोया हुआ था, 5 मिस कॉल आए हुए थे, 5 अभी मतलब, फिर मैं उठा यार इतना 5 लोगों ने क्यों फोन कर रहा है, तो फिर पता चला कि यार मतलब ऐसे ऐसे हुआ है। तो बहुत खराब न्यूज है, आप लोग को तो खैर पता ही होगा। सो वैसे ये चीज, हर चीज आप सुशांत सिंह राजपूत से सीखो, बट ये चीज मैं कहूंगा कि आप सुशांत सिंह राजपूत से ना सीखो। और मैं अपने आप को भी ये बात बोल रहा हूँ, आपको भी ये बात बोल रहा हूँ कि आप हर चीज सीखो उससे, बट ये चीजों से मत सीखो। तो मैं ज्यादा चीज बताता हूँ, आप हमेशा से आप कोटा या कहीं पर भी देखते होंगे कि कोटा में तो मैं मैक्सिमम मैं वहां गया हूँ तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, मेरे चैनल भी बेसिकली JEE के बारे में तो बताता हूँ। आप इतने सारे 70% बच्चे बिहार से जाते हैं, 70% बच्चे, सो आप सोच सकते हो बिहार में मतलब IIT NIT का कितना करेज है, उस एग्जाम का कितना करेज है, और वो बंदा उस एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है। मैं सिर्फ बिहार के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके फैन और उनके फ्लोर हर जगह है। यहां तक कि आपको मैं बताता हूँ एक्टिंग में बिहार के कितने हैं, शत्रुघ्न सिन्हा है, मनोज वाजपेयी है, पंकज त्रिपाठी है, तो मतलब सोनाक्षी सिन्हा, गिरे चुने लोग ही बॉलीवुड में उस मुकाम तक पहुंच पाए। और यूथ में तो एक अकेला वही था सुशांत सिंह राजपूत, मतलब हम उन्हें फॉलो भी करते थे, तो उस लेवल को मतलब वो जो भी चीज, जो भी लेवल उन्होंने अचीव किया ना, वो सबका एक मतलब इंस्पिरेशन है, सबका एक सपना होता है कि भाई जो JEE की प्रिपरेशन करते हैं वो चाहते हैं JEE में उतने रैंक आए, जो एक्टिंग में है वो चाहते मैं वहां तक पहुंचूं। तो हर जगह पर्सनालिटी से लेके लुक, स्मार्टनेस, माइंडसेट, हर चीज में वो मतलब नंबर 1 है, इसमें कोई भी शक नहीं है। बट ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो हो सकता है कि कुछ दिन में क्लियर हो या फिर ना भी हो, जिस तरह के वो आदमी थे मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ क्ल्यू छोड़ा होगा, या हो भी सकता है पुलिस पता लगाएगी जो भी हुआ, बट जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ।
और हम लोग जेई के एस्पिरेंट में रह चुका हूँ, वो भी रह चुका है मतलब जिन्होंने सुसाइड करा, और आप लोग भी है, तो आप लोग को लाइफ में उनकी अचीवमेंट्स पे ही फोकस करनी है, ये बात हमेशा याद रखना। लास्ट में जो उन्होंने कर दिया ना, वो चीज फोकस वाली नहीं है, तो उस पे मुझे लगता है कि ध्यान नहीं देना चाहिए। सो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, सो मुझे लगा कि जल्दी से आप लोगों को बताना चाहिए इस न्यूज के बारे में, नहीं उनके बारे में कुछ बोलना चाहिए जो मैंने बताया। सो धन्यवाद।